एमएक्स प्लेयर तो आप यूज़ करते ही होंगे, लेकिन आपको वही बोरिंग एमएक्स प्लेयर बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है संजय और आज हम कुछ एमएक्स प्लेयर की ट्रिक्स देखने वाले हैं जिससे आपका एमएक्स प्लेयर पूरी तरह से बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएक्स प्लेयर के व्हाइट कलर से आप जरूर बोरिंग हो गए होंगे, तो चलिए देखते हैं इसे चेंज कैसे करते हैं। आपको जाना है 3 टॉगल बटन पर, उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर लिस्ट में, और आप थीम में जाके कोई सी भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं जिससे आप इस चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इससे आप कोई सी भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ब्लू कर लेता हूँ और आप जैसा कि देख सकते हैं कि मेरा एमएक्स प्लेयर ब्लू कलर में चेंज हो गया है। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, आप जाके कोई सी और थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी डिफरेंट थीम मिल जाती हैं जो कि एमएक्स प्लेयर का लुक और अच्छा बना देती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे ट्रिक की ओर, टैप टू प्ले इन पॉज। ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है। जब भी आप कोई वीडियो या मूवी देख रहे हैं तो आपको बार बार प्ले और पॉज बटन दबाना पड़ता है, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है, और इस फीचर से आपको बस स्क्रीन पर डबल टैप करना है और वीडियो प्ले या पॉज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे करना कैसे है। सबसे पहले जाना है डिस्प्ले में, उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल टैप टू जूम या फिर डबल टैप टू प्ले एंड पॉज। इन दोनों में से आप कोई सा भी एक फीचर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट कर देता हूँ डबल टैप टू प्ले एंड पॉज, और आप बस बैक कीजिए, और जैसे ही आप डबल टैप करेंगे ये पॉज हो जाएगा, और जैसे ही आप डबल टैप करेंगे नेक्स्ट टाइम तो ये प्ले हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होती है कोई सी मूवी देखते टाइम, और आप इजीली पॉज या प्ले कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो नेक्स्ट चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एमएक्स प्लेयर में, जो कि प्रोग्रेस बार, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ब्लू कलर का प्रोग्रेस बार। तो चलिए देखते हैं इसे चेंज कैसे करते हैं। आपको जाना है डिस्प्ले में, डिस्प्ले के बाद जाना है आपको सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आपको जाना है और करना है फ्लैट को मटेरियल, और इसका आप चेंज कर सकते हैं कलर। मैं ऐसे कर देता हूँ रेड और प्रेस करना है ओके। इसके बाद आप कंट्रोल्स कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्रीन कलर और प्रेस कर दीजिए ओके। और अब जैसे ही मैं बैक जाता हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोग्रेस बार काफ़ी हद तक यूट्यूब जैसा लगने लग गया है, और जब मैं प्लेन पॉज बटन प्रेस कर रहा हूँ तो उसका भी कलर चेंज हो रहा है। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो जैसे ही आप इस लॉक बटन प्रेस करते हैं आपकी स्क्रीन लॉक हो जाती है। इसमें होम बटन और बैक बटन भी काम नहीं करता है, लेकिन आजकल बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए हैं, उन्हें लॉक आइकन स्क्रीन पर दिख जाता है और वैसे अनलॉक कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लॉक स्क्रीन का आइकन कैसे हटाना है। आपको जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना है कंट्रोल्स में। कंट्रोल्स में जाके आपको लॉक को कर देना है लॉक स्क्रीन प्लस टच इफेक्ट। ये काफ़ी अच्छा टच इफेक्ट है, और आप बैक कीजिए, और उसके बाद आप अपनी स्क्रीन को लॉक करते हैं तो आपका आइकन भी चले जाता है, और जब आप स्क्रीन पर टच करते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे कलरफुल विजुअल्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी इंटरैक्टिव यूज़र फेस देते हैं यूज़र्स को। और इसे अनलॉक करने के लिए आपको चारों कॉर्नर्स पर टैप करना पड़ता है और ये अनलॉक हो जाता है। ये मेरा सबसे अच्छा फीचर लगता है मुझे एमएक्स प्लेयर में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। एमएक्स प्लेयर हम मेनली यूज़ करते हैं वीडियोस देखने के लिए, जिसमें ऑडियो का कोई रोल नहीं होता है, और ऑडियो के लिए हम कोई सा और ऑडियो प्लेयर प्रेफर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एमएक्स प्लेयर में किस तरह से हम सुन सकते हैं MP3 सॉन्ग्स। तो आपको सबसे पहले क्लिक करना है 3 टॉगल बटन पर, उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाना है आपको ऑडियो में, और कर देना है ऑडियो प्लेयर पर क्लिक। ये क्लिक करते ही आपके सारे ऑडियो फॉर्मेट एमएक्स प्लेयर में आ जाएंगे, मतलब अब आपका एमएक्स प्लेयर चेंज हो चुका है ऑडियो प्लेयर में भी। तो अब आप अपने एमएक्स प्लेयर में देख सकते हैं वीडियोस, और साथ में आप ऑडियो का भी मज़ा ले सकते हैं। तो आप ये ट्रिक को यूज़ करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।